तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है मिल्टन गेमिंग पर एक और बार फिर से। और आज हम बात करेंगे क्लैन वॉर्स 2 में अपन 4 डेक्स कैसे बना सकते हैं। मतलब आपको अपना खुद का डेक बनाना पड़ेगा आपके प्ले स्टाइल के हिसाब से, क्योंकि आप किसी का भी डेक इंटरनेट से कॉपी करोगे तो आपका चलेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपको कार्ड्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, क्योंकि लो लेवल के कार्ड की वजह से मैं बहुत सारे मैच आ गया। तो यहाँ पर सिंपली आप सबसे पहले अपना क्लासिक डेक यूज़ करो, जो कि आप इससे खेलते हो ज़्यादा मैच, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा वो जीतने के लिए, क्योंकि आप उसे खेलते हो और आप यहाँ तक पहुँचे उसी डेक की वजह से, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। और आपके अदर्स डेक भी हो सकते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हो, बट कार्ड रिपीटेड नहीं होना चाहिए गाइस। अगर कार्ड रिपीटेड हुए तो आप उसको यूज़ नहीं करते, आपको चेंज करना पड़े। तो इससे सबसे बड़ी ट्रिक बताता हूँ कि आप अपने क्लैनमेट का डेक को देख लीजिए, जो अच्छा खेलता हो और प्लेयर अच्छा टॉप पे रैंक हो उसका डेक यूज़ कर सकते हो, जिसमें कार्ड रिपीटेड नहीं हो। बट एक बात ध्यान रखना, उसका प्ले स्टाइल हमेशा अलग होता है, थोड़ा बहुत हर प्लेयर का अलग होता है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर कार्ड भी अपडेट करने ही पड़ेंगे, जो आप करते नहीं होंगे, खेलते नहीं होंगे, आप यूज़ नहीं करते होंगे, वो कार्ड हो सकते हैं। तो और उसके प्ले स्टाइल को आप मतलब स्टडी करें, फिर उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं वॉर में, तो आपको जीतने में आसानी रही। उसके बाद ऐसा कर सकते हैं, और उसके बाद आपका एक डेक भी बना सकते हैं आप। अपन बाद में बनाएंगे दो डेक बनाने के लिए। और यहाँ पर आप डिफेंस के लिए बड़े ट्रूप्स को रख सकते हैं। अगर आपने छोटे ट्रूप्स रखे तो शायद आप हार भी जाएंगे, जैसे कि मैंने शुरू में सारे छोटे ट्रूप रखे थे तो मेरा तीनों कैनन टूट गए। बट अब मैं बड़े ट्रूप्स ट्राई करूँगा, क्योंकि फ़ायदे बन रहे हैं, क्योंकि इनको मारने में एनिमीज को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और मेरे कैनन्स इतने एनिमी के ट्रूप्स को मारने, और एचपी भी ज़्यादा होती है कैनन्स की, तो इस हिसाब से। और यहाँ पर मतलब मेरा तो डिफीट हो गया, क्योंकि मैंने पहले तो दूसरा हार कुछ रख दिए थे, बट यहाँ पर मेरे क्लैन के भी थोड़े बहुत डिफीट हो गए, थोड़े बहुत बाकी है, सारे हार जाएंगे उसके बाद मेरा बोट टूट जाएगी क्लैन की। बट अभी तो अच्छी चल रही है, और एक बोट टूट भी गई है एनिमीज की, तो पता नहीं, अब देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, तो हम लोग कार्ड डेक कैसे बना सकते हैं गाइस, तो वो बात करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक मतलब बड़ा कार्ड चाहिए गई चाहिए डेक में, और अधिकतर प्लेयर्स अभी बड़े कार्ड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पता है सब ने डेक बनाया है, इसमें पिकाका, मेगा नाइट, वो अपने स्पार्की और बहुत सारे जाइंट, मतलब जाइंट वाले अधिकतर रह ही रहे, तो आप भी एक यूज़ करो। और सबसे बड़ी बात, जाइंट का काउंटर यूज़ करो गाइस, क्योंकि आपको जाइंट्स को मारना पड़ेगा, तो भी अधिकतर वो यूज़ कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको एक ना एक तो जाइंट का काउंटर चाहिए। और यहाँ पर जिधर सीधा बेस पे टावर पर अटैक करने वाला एक होगा राइडर टाइप चाहिएगा, और एक एयर में अटैक करने वाला तो चाहिए ही चाहिए, जो कि हमेशा ही आपको पता है ना एक, तो ये जिस हिसाब से यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। और देन फिर यहाँ पर बड़ा डैमेज देने वाला स्पार्की है, उसके बाद यहाँ पर मैं डार्क प्रिंस को यूज़ कर लेता हूँ, जो किसी भी कार्ड को एक बार रोकने के लिए अच्छा रहेगा, और उसके बाद दूसरे कार्ड मेरा यहाँ पर डैमेज दे देंगे, इस हिसाब से टावर भी है, तो इस हिसाब से भोग राइडर ने उनको मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा टावर। एंड देन फिर यहाँ पर भी एक डेक बना लेते हैं, जो कि इसी टाइप का होगा, जिसमें होग राइडर टाइप प्लेयर और एक एयर में से मारने वाला और एयर वाले को मारने वाले, इस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा गाइस। और सबसे बड़ी बात, हर खिलाड़ी का प्ले स्टाइल अलग होता है, तो ऐसा नहीं कहा मेरे डेक कॉपी करो, जो कि मतलब सबका अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से आप अपना डेक खुद बना सकते हो गाइस। और मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरह से बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वो यही डेक यूज़ करो, क्योंकि सबका अलग रहता है और उस हिसाब से आपको बनाना चाहिए। और मेरे से भी अच्छे प्लेयर्स हैं क्लैश रॉयल में, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो कि खेलते हैं क्लैश रॉयल बहुत ओपी तरीके से, तो उनके लिए मतलब वो तो खुद ही बना लेंगे गाइस, उनके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है यहाँ पर तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। यहाँ पर मतलब एयर से अटैक करने वाला भी एक चाहिए, क्योंकि सारे अगर ग्राउंड वाले प्लेयर्स रखूँगा तो भाई अपना तो हो गया ना काम, नहीं तो हारना ही है फिर, तो इसलिए एक एयर से अटैक करने वाला आप कभी भी मत छोड़ना। तो अब आपको सारे कार्ड को अपडेट करने पड़ेगा, स्पेल्स का भी यूज़ कर सकते हो मिनियंस को मारने के लिए, मतलब स्केलेटन आर्मी को मारने के लिए। और यहाँ पर डिफेंस के रूप में इसको अपन यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद एक यहाँ पर भी विच को यूज़ कर लेते हैं। और आप चाहे तो बड़े कार्ड भी और भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको आपके अपग्रेडेड हो गाइस। बड़े पिका का मत छोड़ना, अगर वो आपके अपडेटेड हो तो उसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसका डैमेज भी ज़्यादा है, उसकी एचपी भी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपको फाइट में। और अधिकतर प्लेयर्स अभी बड़े कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए अच्छा ही रहेगा गाइस। और गाइस अभी आपको खबर मिली गई होगी कि पबजी मोबाइल बैन हो गया है इंडिया में, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी पबजी खेलता था। बट मैंने जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइम एक न्यूज़ सुनी है कि पबजी टेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, और बहुत ही जल्दी वापस 7 या 8 दिन में वापस इंडिया में आ जाएगा, दूसरे मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके। तो मैंने सिर्फ खबर सुनी है, पता नहीं इसका सोर्स अभी कोई कन्फर्म नहीं, बस सुनी है मैंने, तो आ जाएगा गाइस अगर ये पक्की न्यूज़ हुई तो।
उसके बाद चलते हैं हमारे मतलब एक बैटल कर लेते हैं जहाँ पर आप बोर्ड पे अटैक करके आपका जो डेक बनाया उनको टेस्ट कर सकते हैं गाइज। ये सबसे बेस्ट तरीका आपके डेक को टेस्ट करने का। और वहाँ पे टाइमर भी मतलब एक बार ध्यान रखना, अगर आपने बोर्ड पे अटैक कर दिया था आपका टाइमर चालू हो जाएगा, फिर टाइमर खत्म होगा उसी के बाद आप वापस फेम को गेन कर सकोगे क्लेन के लिए। तो गाइज आप बोर्ड पे सिंपली अटैक करके और मतलब ऐसा कर सकते हो, बोर्ड पे अटैक करके सामने वाले एनिमीज के बोर्ड को स्लो कर सकते हैं, क्योंकि इनके अगर ये टूट जाएंगे उनको सारे टूट जाएगा बोर्ड, तो उसको रिपेयर करने के लिए उनको वापस से टाइम लगेगा और वहाँ पर आप उनको स्लो डाउन कर सकते हो और आप जीत सकते हो। और यहाँ पर आप डेक को यूज़ कर लेना गाइस, तो मतलब पता चल जाएगा आपके उसके लिए कंफर्टेबल होगा नहीं, फिर या फिर उसके बाद आप चेंज कर लेना थोड़ी सी देर बाद आपका जो भी टाइमर रन लो हो जाएगा डेक के लिए, तो उसके बाद आपको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने मतलब के पहले से डैमेज था तो उसको डैमेज और करने की कोशिश करी, 5900 था तो एक पहले फोर खेल चुका था जो कि मैं तोड़ नहीं पाया था, बट यहाँ पर मैं इसको तोड़ पाऊंगा। इसको तोड़ते ही मुझे 60 सेकंड्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगले डेक को तोड़ने के लिए, और जो कि बहुत ही सही है। मतलब अगर आप एक एक तोड़ देते हो एक फर्स्ट फाइट के दौरान तो फिर आपको 60 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसको तोड़ने के लिए। और उसके बाद आपके पास वो क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पर सेकंड भी तोड़ देते हो तो फिर 60 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे गाइस, ये बात ध्यान रखना। बस फर्स्ट वाले को तोड़ने पर 60 मिनट एक्स्ट्रा मिले, मैंने यहाँ पर सेकंड को भी तोड़ दिया इसमें, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। और यहाँ पर जो टावर्स रहते हैं वो मतलब कोई प्लेयर नहीं रहता है, वो अपने हिसाब से ट्रूप यूज़ करते हैं तो काफ़ी स्लो यूज़ करते हैं, मतलब उनका एलेक्जर काउंट थोड़ा कम ही होगा अपनों से, तो इस हिसाब से उनका स्लो रहता है। बट अपना एलेक्जर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है बोट फाइट में, आप देख सकते हो यहाँ पर डबल स्पीड से बढ़ा जो कि नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा होती। तो ये हमारे मतलब बोट्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बोट को आप तोड़ दोगे और आप मतलब अटैक फास्ट कर सकते हो, अगर आपका स्लो बढ़ाया जाता है तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 12 सेकंड ही बचे थे अगले मतलब जो कैनन को तोड़ने के बाद, जो कि मतलब सफिशियंट नहीं था, आपको पता है कि थर्ड वाले की एचपी कितनी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर उन्होंने भी मेरा तोड़ दिया वैसे तो इस हिसाब से। बट आप यहाँ पर बोर्ड्स को अटैक करके और आप फेम गेन भी कर सकते हो और ज़्यादा फायदा वहाँ पर आपको, उनको भी स्लो डाउन कर सकते हो और फेम भी गेन कर सकते हो और आपकी बोर्ड आगे भी जाएगी उनके तोड़ के, अगर आपने कैनन तोड़ दिए तो गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपस में लड़ाई करो, और अगर आपको ड्यूल्स खेलना है तो आप खेल सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार डेक तो टेस्ट कर ही लिया है यहाँ पर बोर्ड पे, तो आप ड्यूल भी खेल सकते हो। उसके बाद अगर आप ड्यूल में हारते हो तो आपको देख लेना वहाँ पर कि आपको एनालिसिस करना है ड्यूल खेलने टाइम के खिलाड़ी कौन से सबसे ज़्यादा कार्ड्स यूज कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपके डेक में आपको चेंजेस करने गाइज, और उस हिसाब से आपको मतलब डेक बनाना और उसको चेंज अपग्रेड करते रहना कार्ड्स को। तो गाइस अगर आपकी बोट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आपको रिपेयर करने के लिए अपने डेक्स के अटैक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यहाँ जैसे कि हमारा बोट डिस्ट्रॉय हो चुका आप देख रहे हैं, तो इसको रिपेयर करूंगा मैं आपको किसी भी मतलब डेक को चूज करके, और यहाँ पर मेरे जो रिपेयरिंग पॉइंट है वो बढ़ते जाएंगे बोट के, और उसके बाद मेरे उस डेक का अटैक खत्म हो जाएगा 24 घंटे के लिए, तो इससे हम स्लो डाउन हो गए क्योंकि मैं अटैक के लिए फेम मतलब अटैक करके फेम इकट्ठा नहीं कर सकता और मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो अदर क्लेंस को फायदा होगा इससे। गाइस बाय बाय गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाय और शेयर कर देना।